आरोग्य यंत्रणा के नावीन्यपूर्ण उपक्रम अंतर्गत आईसीयू के कोविड मरीजों से वीडियो कॉलिंग द्वारा संवाद साधा। कोविड मरीजों संदर्भ में दुविधा दूर करने के लिए प्रशासकीय यंत्रणा ने वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध करा देने का निर्णय लिया। इस सुविधा से रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष मरीजों से दृश्य प्रणाली द्वारा संवाद साधा जा सकता है। मरीजों की स्थिति प्रत्यक्षदर्शी देखते साथ ही उपचार के अलावा और प्रशासन ने करा दिए उपचार की सुविधा के बारे में प्रत्यक्ष में मरीजों की ओर से जानकारी ले सकने से रिश्तेदार और मरीज दोनों को ही आंतरिक समाधान मिल सकता है। साथ ही प्रत्येक बातों पर समय समय पर स्पष्टीकरण देने का अस्पताल प्रशासन का बोझ भी कम हुआ है, जिससे प्रशासकीय यंत्रणा का तान कम होने सहायता हुई है। कोरोना मरीजों से वीडियो कॉलिंग द्वारा संवाद साधने की यह सुविधा कोविड अस्पताल के सामने समुपदेशन केंद्र में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए हर रोज शाम 4 से 5 इस समय में उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए 10 से 15 मिनट पहले अस्पताल के मदद केंद्र पर नोंदनी करना आवश्यक रहेगा। इस समय संबंधितों को मरीजों के रिश्तेदार होने का बताना होगा। इसके लिए आधार कार्ड या अन्य कोई भी नाते संबंध की जानकारी होगी, ऐसा पुरावा आवश्यक है। इस केंद्र पर नियुक्त सामाजिक वैद्यकीय अधीक्षक यह मरीजों के रिश्तेदारों को वीडियो कॉल लगाकर मरीजों को बोलने और उन्हें मोबाइल पर देखने की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। वीडियो कॉल करने वाले रिश्तेदारों की नोंद 1 नवंबर से ली गई, जिस मुताबिक आज तक 110 बार इस सुविधा का लाभ लिया गया, ऐसी जानकारी अधिष्ठाता डॉक्टर अरुण हुमने ने दी है। जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने 27 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में वीडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध करा देने के निर्देश दिए थे। इसकी तत्काल दखल लेकर अधिष्ठाता डॉक्टर हुमने ने वीडियो कॉलिंग की सुविधा दूसरे दिन से शुरू की है। इस मदद केंद्र पर प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पर अस्मिता रंगारी, प्रशांत जोध, प्रवीण रामटेके ने वीडियो कॉलिंग सुविधा का लाभ लेते अपने अपने कोविड मरीज रिश्तेदारों से आस्था से जांच करने का दिखाई दिया। मरीजों के हाल की स्थिति के बारे में जानकारी जानी। मरीजों के साथ संवाद के लिए अस्पताल प्रशासन ने उपलब्ध करा दिए इस वीडियो कॉलिंग सुविधा के बारे में उन्होंने समाधान व्यक्त